कथित शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कोर्ट ने उन्हें अब एक और झटका लगा दिया है। बुधवार को दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने की मांग की है। दरअसल केजरीवाल हफ्ते में 2 बार अपने वकीलों से जेल में मुलाकात कर सकते हैं, ऐसे में उन्होंने मुलाकात बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी। कल यानी मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें झटका लगा दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल की वकील ने कहा कि उनके खिलाफ 35 से 40 केस चल रहे हैं, ऐसे में एक हफ्ते में वकीलों से 2 बार मुलाकात काफी नहीं है। उन्होंने याचिका दायर कर 5 मुलाकात की मांग की थी। वहीं ईडी ने कहा कि यह जेल मैनुअल के खिलाफ है। इस मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया। लाइव ला की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने वकीलों से मिलने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करने वाली याचिका अरविंद केजरीवाल की दायर की गई याचिका को खत्म कर दिया है। उन्हें हफ्तों में 2 बार वकीलों से मिलने की परमिशन दी गई है। आपको बता दें, सीएम केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने 21 मार्च को केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा की गई गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी थी। मंगलवार दोपहर को हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया, साथ ही ईडी एक्शन को वैध बताया। अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने पीटीआई को बताया कि उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध कराने के लिए भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष बुधवार को उनका उल्लेख किया जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी उस याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। आपको बता दें, अदालत ने कहा था कि बार बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल के प्रदर्शन निदेशालय के समक्ष पेश नहीं होने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद जांच एजेंसी पास कोई खास विकल्प नहीं बचा था। एएनबी टाइम्स की रिपोर्ट।